अजमेर के तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। मैं इस मौके के ऊपर अजमेर की बहबूदी के लिए, अजमेर के सम्मान के लिए, अजमेर के भाईचारे के लिए और जो मेरे गरीब नवाज का पैगाम है पूरे हिंदुस्तान में फैले और मेरे जितने भी आज जो ईद का मौका है तमाम हजरतें मेरे तमाम अजमेर के निवासियों की पूरी हो, हमेशा खुशहाली का पैगाम जावे। मेरी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं करता हूँ मालिक से कि वो देश में अमन चैन और शांति कायम रखे और भारत और उसका विकास हो, राजस्थान का विकास हो, गांव गरीब और किसान का भला हो, गरीब तबके को जो है इस महंगाई और बेरोजगारी से मुक्ति मिले और खुशहाली हर चेहरे पर खुशहाली रहे। अजमेर के मुस्लिम भाइयों को मेरी तरफ से ईद की मुबारक और सुरक्षा व्यवस्था जैसी रही है अमूमन हर जगह जहाँ जहाँ नमाज पढ़ी जाती है वहाँ पर उसका जाप्ता लगता है, अधिकारी और सारे जो स्टाफ वहाँ लगा रहता है व्यवस्था बनाने में सहयोग करते हैं, तो ओवरऑल सब जगह ठीक व्यवस्था चल रही है और पुलिस का कम्प्लीट स्टाफ लग रही है। मुबारकबाद खुशियों का पैगाम लेके आए मालिक मेरे अजमेर के अंदर जो गरीब नवाज के रहना अमन चैन भाईचारा सबके मान सम्मान और अजमेर का भाईचारा पूरे हिंदुस्तान में फैले, अल्लाह के मौके भाईचारा और खुशहाली के साथ साथ सब भाईचारे के साथ हमारे न्यूज़ चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।